हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साड़ी से लहंगा बनाना बताऊंगी। यहां पर हमने नेट की साड़ी लिया है और ये साटन का कपड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पल्लू के साइड से 2.25 मीटर कपड़े को अलग कर लेंगे। यहां पर एक निशान हमने लगा लिया है। जो निशान लगा है यहाँ से काट लेंगे और इसे फोल्ड करके एक साइड रख देंगे। बचे हुए कपड़े में से 3 बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 लेयर बना लिया है। इस तरह एक लेयर और बना लेंगे, यानी 3 लेयर में इसे बराबर से हमने फोल्ड कर लिया है। इसमें 12 कली का लहंगा बनेगा, इसलिए हमने 3 लेयर में फोल्ड किया है। 3 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, 6 लेयर में हो गया। अब इसे अच्छे से बराबर कर लेना है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो यह 12 लेयर में हो गया है। इसे बराबर कर लेंगे। अब इन्हें फोल्ड करने के बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके लिए जितने आपके लहंगे की तैयार लंबाई है उससे 1.5 इंच कम लेना है। 2 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे और 1/2 इंच इसमें से सिलाई में जाएगा। तो 2 इंच का जब बेल्ट ऐड हो जाएगा तो लहंगे की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कमर 36 है तो 12 कली का लहंगा है तो 12 से 36 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 इंच। और 1/2 इंच हमने लिया है सिलाई के लिए, तो यहाँ सेंटर में हमने 3.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब दोनों साइड से इस तरह निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे आप देख सकते हो 12 कली की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने साटन के कपड़े को इस तरह से डबल कर लिया है, 2 लेयर में कर लिया है। अब इसे फिर से फोल्ड करेंगे, यह 4 लेयर में हो जाएगा। इसके लिए आप 2 मीटर कपड़ा ले सकते हो। अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है यानी अर्ज वाला है तो 1.25 मीटर में फुल घेर का तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर कमर का चौथाई भाग और उसमें 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक ऐड कर सकते हो सिलाई के लिए। इंची टेप को तिरछा रखकर इस तरह निशान लगा लेंगे। नेट के कपड़े में कली को हल्का सा फोल्ड करके सिलेंगे, इसलिए कमर में ज़्यादा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई की तरफ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फोल्ड करके सिल देंगे। यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे देंगे और इसे काट देंगे जिससे अब बराबर आ जाएगा। जो साइड से कटिंग का कपड़ा निकला है इसे नीचे की साइड लगा सकते हो, चौड़ाई बढ़ जाती है। आप चाहो तो सभी कलियों को पिन से सेट कर सकते हो। सेट करने से क्या होता है, कलियां आपस में उलझती नहीं है सिलते समय और फटाफट 10 मिनट में लहंगा बनके तैयार हो जाता है। सिलने में बहुत आसानी रहती है। और इसके लिए नेट के कपड़े के लिए हमें चाहिए 11 नंबर की सुई। अगर आपके पास 11 नंबर की सुई ना हो तो आप इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके सिल सकते हो।
आप देख सकते हो हमने सभी कलियों को जोड़ लिया है। इसी तरह से हमने सभी कलियों को जोड़ लिया है। ऊपर की साइड 4 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। अस्तर में भी ऊपर से 4 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे और दोनों साइड से सिल लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने लेस को निकाल दिया था और नीचे तक पूरी सिलाई कर लिया है। दोनों कपड़े को हमने सीधा कर लिया है, इसके अंदर रख लेंगे। इस तरह दोनों को एक साथ बराबर करके राउंड में एक सिलाई लगा लेंगे। जितनी कमर गोलाई है उसी के बराबर हमने बेल्ट के लिए लंबी पट्टी काट लिया है। इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है। दोनों पट्टी को एक साथ सिल लेंगे। आप देख सकते हो हमने इसे बराबर से चारों तरफ से सिल लिया है। बेल्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। आप किसी भी साड़ी से यह लहंगा बना सकते हो। हमने बेल्ट की लंबाई 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लिया था जिससे यह छोटा ना पड़े। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे फोल्ड करके सिलने के लिए और जो फालतू है इसे काट के निकाल देंगे। बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। सिलने के बाद लैस को लगा लिया है।
यह लहंगा तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।